हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। इस वाली वीडियो के अंदर हम एक बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक से एक ट्रिक सीखने वाले हैं, जो कि है बैकग्राउंड को फोटोशॉप के अंदर ब्लर करना। सो काफी बिगिनर्स लोग हैं जिनको अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि बैकग्राउंड को ब्लर किस तरह से किया जाता है, या फिर बैकग्राउंड को रिमूव या रिप्लेस किस तरह से किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम वही चीज देखने वाले है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने फोटोशॉप ओपन किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है। ये मैंने एक फ्री इमेज डाउनलोड किया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एक इमेज है, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे या ब्लर कर देंगे। मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा, एक या दो या तीन, जो भी सिंपल आपको लगती हो तो आप कर लेना। सबसे पहले तो आपको इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आप जानते हैं कि किस तरह से फोटोशॉप के अंदर इमेज को सिलेक्ट किया जाता है। अगर नहीं जानते हो तो मैं उसका लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना लूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। जस्ट सिंपली मेरा तरीका ये है कि मैं पेन टूल यूज़ करता हूँ सिलेक्शन करने के लिए। बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लेनी है, जो कि मैं यहाँ पे बनाऊँ कंट्रोल जे प्रेस करके, या फिर आप अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड जे प्रेस करके आप बना सकते हैं। या सेकंड मेथड है, आपको यहाँ पे डुप्लीकेट राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से एक बैकग्राउंड की एक कॉपी तैयार करी है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे बीजी। मुझे जितना पोर्शन चाहिए मैं उतना पोर्शन इमेज का मैं यहाँ पे क्रॉप कर ले रहा हूँ, ताकि ये समझने में आसान लगे और भी। तो मैंने इतना पोर्शन ले लिया अपने इमेज के अंदर। सिंपली मैं यहाँ पे जूम करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने इमेज ली है। ओके, तो आपको क्या करना है कि इस इमेज को सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्शन के लिए जो बीजी वाला हमारा लेयर था उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन या डायलॉग बॉक्स आपको अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ व्यू के ऑप्शन दिए हुए उन्होंने, तो मैं यहाँ पे सिंपली ओवरले सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितना भी एरिया आपका रेड हो जाएगा वो जो है डिसलेक्ट है, मतलब उसको फोटोशॉप ने सिलेक्ट नहीं किया है। या यहाँ पे हम ब्लैक के ऊपर भी कर सकते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे ओवरले के ऊपर क्लिक करूँगा और ओवरले के ऊपर रखूँगा। आप ब्लैक के ऊपर भी कर सकते हैं, या तो आप जो भी कंफर्टेबल है आपको मेथड उसके ऊपर आप जा सकते हैं। मैंने एक्चुअली फेसबुक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि किन किन लोगों को अभी तक बैकग्राउंड ब्लर करने को नहीं आता है। एक्चुअल में फोटोशॉप के अंदर या कैमराज के अंदर, काफ़ी कैमराज के अंदर अभी के ऑप्शन आया हुआ है कि बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाता है। कि जिन लोगों के पास कैमरा नहीं है, DSLR कैमराज नहीं है, अच्छे मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो इस मेथड को यूज़ करके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ओपेसिटी आप कितनी डाउन करते हैं, कितनी मैक्स करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली 70% या 80% आप रख लो, आपको बैकग्राउंड की जो इमेज है वो नज़र आनी चाहिए। इसका पर्पज़ ये है कि आपको पता चलेगा कि जब जिस वक्त में आप इमेज सिलेक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने सिलेक्शन किया ही नहीं। तो सिलेक्शन किया ही नहीं ये पता कैसे चलेगा आपको? सिंपली आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड की जो लेयर है आपकी, बैकग्राउंड की जो इमेज है उसका जो एग्जैक्ट कलर है वो यहाँ पे अपेयर हो जाता है जब भी आप सिलेक्शन कर देते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर दे रहा है। यहाँ पे आप रेड भी कलर कर सकते हैं। आप देखोगे कि रेड के ऊपर भी बैकग्राउंड जो है वो रेड दिख रहा है, जहाँ पे मैंने सिलेक्शन नहीं किया है। जहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया है तो सिंपल यहाँ पे जो भी कलर है आपका बैकग्राउंड का वो यहाँ पे एग्जैक्ट कलर बता रहा है। तो मैंने फिर से ब्लैक कर दिया यहाँ पे, और सिंपली मैं इस इमेज को इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटोशॉप ने ये ऑटोमेटिकली कर लेता है कलर वाइज। और जो भी डिटेल्स है, ये जो कॉर्नर्स है, जो भी यहाँ पे हेयर्स है, आप सिंपली यहाँ पे एक टूल दिया है रिफाइन एज टूल, उसको लेके आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको जितना पोर्शन या जितने हेयर्स आपको काउंट करने हैं, जितने हेयर्स आपको लेने हैं बैकग्राउंड में से, वो आप ले सकते हैं। और माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है, तो आप ये डिसलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, मुझे ठीक लग रहा है इतना। सिंपली मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे एक रेडियस का ऑप्शन है। ये रेडियस का ऑप्शन क्या है, आप जब यहाँ पे शो एजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने जितना भी पोर्शन रेडियस किया है, मतलब जितना भी पोर्शन आपने आपके जो इमेज के अंदर सिलेक्ट कर लेना है, मतलब मैन्युअली कर लिया है आपने, तो वो आपको यहाँ पे बता देगा वो। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको 2 पिक्सल जब कर देता हूँ, या इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज, तो आप देखना कि इसके जो बॉर्डर्स है वो क्रिएट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली फोटोशॉप जो है
इसके बैकग्राउंड्स को भी कैप्चर कर रहा है, इसके जो बॉर्डर्स है उसको थोड़ा सा और शार्पनेस दे रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल्स यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा और स्मार्ट करना है, मतलब कि आपको अगर थोड़ा सा और शार्पनेस आपकी इमेज में है, तो फोटोशॉप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देना स्मार्ट रेडियस के ऊपर, तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली आपके जो बैकग्राउंड के शार्प कॉर्नर्स है उसको रिड्यूस कर लेगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे स्मूथनेस का है, तो आप अगर स्मूथनेस ऐड करना चाहते हैं आपके बॉर्डर्स के अंदर तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला नहीं हूँ। ये जब करना है आपको, जब डिटेलिंग अगर ज़्यादा करनी है तो आप कॉन्ट्रास्ट को, फिदर को आप प्ले कर सकते हैं। ये आप खुद होके मैन्युअली आप प्ले करके देखिए इसके साथ में कि एग्जैक्ट ये चीज़ क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ किस लिए फोटोशॉप ने दी है। इतना मुझे काफ़ी है अभी के लिए, तो मैं इतना सिलेक्शन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है डीकॉन्टेमिनेट कलर, ठीक है। ये ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में जितना भी पोर्शन आपका हेयर्स के साथ में या बैकग्राउंड के साथ में आपके कलर के साथ में मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो उसको भी ये डीकॉन्टेमिनेट कर लेगा। मैं यहाँ पे सिंपली इसको 65-60 रख देता हूँ। देन मैं आउटपुट, मतलब आपको ये सिलेक्शन करने के बाद में आपको जो ये चाहिए लेयर चाहिए वो किस तरह से चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो न्यू लेयर चाहिए आपको, या न्यू लेयर विथ मास्क चाहिए, या न्यू डॉक्यूमेंट, टोटली न्यू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट चाहिए, या न्यू डॉक्यूमेंट विथ लेयर मास्क चाहिए आपको। तो मैं सिंपली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू लेयर विथ न्यू मास्क सिलेक्ट कर लिया करें और ओके पे प्रेस कर दें। तो यहाँ पे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है आपको, तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है। तो जब आप इसी वाली इमेज के ऊपर इसको सब पूरा हाइड कर दोगे बैकग्राउंड वगैरह इसका, तो आपको दिखाएगा कि हमने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब बैकग्राउंड ब्लर करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक सिंपल से सिंपल मेथड आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको सूटेबल होगा आप कर लेना। यहाँ पे जो इसका मास्क क्रिएट हुआ है हमको उसको साथ में रखते हुए एक डेप्थ मैप क्रिएट करना है, ताकि फोटोशॉप को पता चले एग्जैक्टली कि हमको किस चीज़ को ब्लर करना है और किस चीज़ को फोकस में लेना है। तो सिंपली मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसके लेयर मास्क ऊपर सिलेक्ट कर दिया। अब डेप्थ मैप क्रिएट करने के लिए आपको एक ब्रश लगेगा। व्हाइट वाला जो पोर्शन है फोटोशॉप को पता है कि उसको फोकस में रखना है, और ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो फोटोशॉप को पता है कि उसको ब्लर कर देना है। लेकिन आप अगर इमेज को देखोगे तो यहाँ पे एक पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पत्ते हैं। थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि आप कैमरामैन हो और ये लेडीज जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो लेडीज कैमरा के बिल्कुल पास में है और जो बैकग्राउंड ये थोड़ा थोड़ा दूर होते गया कैमरा से, और सबसे पास जो है ये पत्थर है। तो हम अगर इतना ही पोर्शन ब्लर कर देंगे तो फोटोशॉप को तो ब्लर करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन ये इमेज दिखने में आसान दिखी अच्छी दिखेगी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जैक्टली किस तरह से दिखेंगे। सिंपली आपको ब्लर में जाना है, लेंस ब्लर में जाना है यहाँ पे ब्लर ऑप्शन में, और लेंस ब्लर का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप फोटोशॉप को बता रहे हैं कि जितना भी व्हाइट पोर्शन है उसको फोकस में रखना है और जितना भी ब्लैक पोर्शन है उसको मुझे ब्लर कर देना है। तो आप यहाँ पे ब्लर अगर सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो इमेज है इसका जो नेचुरल लुक है वो पूरी तरह से निकल जा रहा है, मतलब कि ये नेचुरल नहीं लग रहा है। तो सिंपली मैं ऐसे कैंसिल करूंगा। इसको नेचुरल दिखाने के लिए हमको लेयर मास्क को ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है, सिंपली यहाँ से ब्रश टूल लेना है और हमको एक थोड़ा सा डेप्थ मैप क्रिएट करना है। तो ये आपको ब्रश सिलेक्शन करना है, इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रश का साइज मैंने एग्जैक्ट कर लिया है, और आपको सिंपली व्हाइट कलर से सिलेक्ट करके आपको इतना पोर्शन यहाँ पे हाइड कर देना है। इसका हार्डनेस थोड़ा सा कम कर दो और सिंपल है एकदम। आपको बस यहाँ पे डेप्थ मैप क्रिएट करके फोटोशॉप को बताना है कि कितना पोर्शन आपको ब्लर करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, मैं सिंपली एरो कीज लेके यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा ग्रेश होते हुए ब्लैक हो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम से डिस्टेंस उसका कम नहीं हुआ है, कम ज़्यादा नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे करके हुआ है। तो हमने सिंपली फोटोशॉप को ये बताया कि इस बैकग्राउंड को यहाँ से ब्लर करना है, लेकिन धीरे धीरे करके।
तो आप इसको थोड़ा सा और ब्लर कर सकते हैं इस चीज़ को। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप का थोड़ा सा सिलेक्ट कर लिया है और इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके यहाँ पे बदल लेता हूँ। ओके जी, तो इतना मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। ये रहा हमारा डेप्थ मैप क्रिएट है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लेयर पे सिलेक्ट करूँगा और इस वाली लेयर के ऊपर फिर से आ जाऊँगा। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं इतना ओपनली बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले काफ़ी बिगिनर लोग हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ और काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी सीखें। मुझे जो मुश्किल आए हैं मेरे लाइफ के अंदर, मेरे करियर के अंदर, वो आप तक ना पहुँचे। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, देन आपको क्या करना है, फिर से उसी मेथड को अप्लाई कर देना है। ब्लर ऑप्शन में जाके लेंस ब्लर को क्लिक करना है, ठीक है जी। जब ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तब आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आप उसको टिक मार्क कर दो ताकि आपको जो प्रोसेस चल रही है वो एग्जैक्टली दिख रहा है। फास्टर के अंदर क्या होगा, ये तुरंत प्रोसेस करके आपको बता देगा। सॉरी गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस है, कोई आवाज आ रही है, तो प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया के अंदर रहता हूँ जहाँ पे चौल कहते हैं इसको, पुणे सिटी में रहता हूँ, और वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ यहाँ पे 1:30 बजा हुआ है, तो प्लीज इस नॉइस को इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे फास्टर का ऑप्शन जब आप सिलेक्ट कर देते हो तो ये फास्टर में आपको बता देगा। देन आपको डेप्थ मैप मैंने बताया था क्रिएट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपको सोर्स को सिलेक्ट करना है ताकि फोटोशॉप को पता चले कि एग्जैक्टली उसको क्या चीज़ ब्लर करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लेयर मास्क मैंने क्रिएट किया था, उसको हमको ब्लर करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ब्लर लेयर मास्क को कर दिया है। देन आपको यहाँ पे फोकल डिस्टेंस का जो ऑप्शन है इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एज अ कैमरा काम करता है। मतलब कि आप यहाँ पे देखोगे, आप जब किसने कैमरा यूज़ किया होगा आपको उनको पता होगा कि फोकल लेंस किस तरह से काम करता है। आप जितना इसको बढ़ाओगे घटाओगे ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अभी फिलहाल के लिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चीज़ हमको ब्लर करना था वो तो हुई नहीं है, बैकग्राउंड इसका है वैसा ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा ब्लर हो चुका है। तो सिंपल सा यहाँ पे इनवर्ट का ऑप्शन होगा, तो आप इनवर्ट के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे एग्जैक्ट जो चीज़ है वो ब्लर हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि सिंपल हमने जैसा क्रिएट किया था कि धीरे धीरे करके यहाँ से थोड़ा ब्लर होते 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 ज़्यादा ब्लर होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना नेचुरली लग रहा है, इस तरह से हमको ब्लर करना है। तो इसका रेडियस जो है आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है यहाँ पे कम या ज़्यादा करने के लिए, आप कर सकते हैं, आप इसके बाद में प्ले करिए। मुझे अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे 70% का मुझे ठीक लग रहा है, इसलिए मैं 70% के ऊपर रख देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है शेप का, तो मैं जैसे ही यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये एग्जैक्टली क्या है, फोकस जो है या लेंथ जो है, जो बैकग्राउंड में जो ब्लर हो रहा है उसको हम किस तरह से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल सिलेक्ट किया तो ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में ब्लर होता गया, स्क्वायर में मैंने रख दिया तो ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में ब्लर होता गया, हेक्सागन में रख दिया तो मैंने थोड़ा सा हेक्सागन शेप में ये ब्लर होता गया। मैं सिंपली यहाँ पे ऑक्टागन रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये सबसे सही और सबसे अच्छा ब्लर ऑप्शन है। तो मैंने जूम आउट कर दिया स्पेशली सिंपली। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए, इनको आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है और एक थ्रेशोल्ड बोल के ऑप्शन है। तो अगर आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस आपके इमेज के अंदर है तो आपको उसको बुके टाइप दिखाना है, तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। आप देखोगे बैकग्राउंड के अंदर अभी फिलहाल के लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड का ब्राइटनेस जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अभी भी फिलहाल आपको कुछ दिख नहीं रहा है। मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा यहाँ से कम करके आपको बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली होता है इसके पीछे। ये दिख रहा है आपको, जो बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा ब्राइटनेस है उसको एक एज अ बुके टाइप फोटोशॉप आपको बना के दे रहा है। अगर सिंपली आपको ये इफेक्ट भी अच्छा लग रहा है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। मुझे फिलहाल के लिए ये इफेक्ट नहीं चाहिए इसलिए मैं इनको दोनों को वापस से जितना था उतना मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे और एक ऑप्शन है अमाउंट नॉइस। अगर आपके पास आपके फ्रंट इमेज के अंदर अगर नॉइस है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको इंक्रीज करके नॉइस ऐड कर सकते हैं, और इन सब ऑप्शंस को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके पे प्रेस करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक। तो सिंपली मैं यहाँ से इस वाले लेयर को शिफ्ट प्रेस करके डिसेबल कर देता हूँ। तो ये रहा आपका बैकग्राउंड इफेक्ट रेडी। ये काफ़ी सिंपल सा मेथड है। और एक मेथड मैं जानता हूँ जो कि मैं बनाकर दिखाना चाहूँगा आपको। सिंपली यहाँ पे आपने जो लेयर मास्क बनाया है अभी,
ठीक है, इसका इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड तो अपना हो गया जो कि लेंस ब्लर में जाके हमने डेप्थ मैप क्रिएट करके हमने बनाया था, वो तो हो गया अपना। सेकेंड वाला जो है मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये सिलेक्शन कर लिया देन आप इस लेयर को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे सिंपली जाके न्यू लेयर को क्रिएट कर दीजिए और इसके अंदर सिंपली आप ब्लैक कलर को फिल कर दीजिए। ब्लैक कलर को फिल कैसे करना है, यहाँ से आप बकेट भी ले सकते हैं, पेंट बकेट, ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के आप इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। इस वाले लेयर को फिर से सिलेक्ट करना है, हाइड कर देना है, और जो आपका मेन था इसकी ज़रूरत अभी हमें फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं डिसेबल करके बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। मुझे ज़रूरत फिलहाल इस वाले लेयर की है तो मैंने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको अगर बैकग्राउंड रिप्लेस करना है या ब्लर करना है अगेन, तो ये वाला मेथड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी सिंपल है, तो इस वाले मेथड को भी आप ट्राई करके देखिए। सिंपली मैंने इसका एक कॉपी बना लिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे फिल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट के अंदर से कंटेंट अवेयर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है ताकि ये वाली जो इमेज है ये पूरी तरह से यहाँ से निकल जाए, ठीक है, ये तो निकल गई इमेज। बट आप देख रहे होगे कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पार्ट इसका यहाँ पे रह गया है, अगर आप इसको ब्लर कर दोगे तो ये पार्ट थोड़ा सा ब्लर में नजर आएगा आपको ऊपर से। तो मैं सिंपली कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से उस इमेज को मैं फिर से वापस लेकर आऊँगा और सिलेक्ट मेनू में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा और एक्सपांड कर दूंगा, तो ये सिलेक्शन जो है थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर बाहर से सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये सही मेथड है ऑब्जेक्ट को कंटेंट अवेयर करने के लिए। मैं सिंपली यहाँ पे फिर से फिल करूँगा और कंटेंट अवेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करके मैं डी सिलेक्ट कर दूंगा। अब आपको बैकग्राउंड पूरा तरह से खाली लग रहा है, ओके, मैं सिंपली इस वाले लेयर को फिर से इस बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आऊँगा और इसको विजिबल कर दूंगा। अब ये वाला बैकग्राउंड आपका सेपरेट है और ये वाला जो बैकग्राउंड है आपका सेपरेट है, तो आप सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर जाइए, फिल्टर में जाइए, ब्लर में जाइए, गोशन ब्लर भी कर सकते हैं या लेंस ब्लर भी कर सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे गोशन ब्लर करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप ब्लर को अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या किया, ये बैकग्राउंड को टोटली डिफरेंट लेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया और इसका अलग बैकग्राउंड लेके आपने सिंपली बैकग्राउंड लेयर को ब्लर कर दिया। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, दोनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ आप ट्राई करिए, आप प्रैक्टिस करिए फोटोशॉप के अंदर, आपको पसंद आएगा। अगर आप सिंपली इसका बैकग्राउंड रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस वाले बैकग्राउंड को हाइड कर देना, इस वाले बैकग्राउंड को हाइड कर देना। हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड को सिलेक्ट, जो हमारा फोकस है उसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कुछ इमेज डाउनलोड किए थे, उस वाली में से एक इमेज मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। तो ये सिंपली एक थोड़ा सा अलग कलर का बैकग्राउंड मैंने जानबूझ कर लिया है आपको कि दिखने में आपको नज़र आए सही से। ये मैंने सिंपली एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया था pixels.com से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा फाइल आपको मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये सिंपली आपने बैकग्राउंड जो है रिप्लेस कर दिया है दूसरे बैकग्राउंड से, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप एडजस्ट मेनू में जाइए, कलर बैलेंस थोड़ा सा एडजस्ट करिए ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। तो हमारा जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कूल करके थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में ले गया हूँ, ओके जी। अगेन मैं अगर इसको ब्लर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपली गोशन ब्लर अप्लाई करके यहाँ से ब्लर कर सकता हूँ, ओके। इसको थोड़ा सा लुक बढ़ाने के लिए और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि कलर लुकअप को यहाँ पे अप्लाई कर देना। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, आप प्ले कर सकते हैं, आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं या बैकग्राउंड को रिप्लेस कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, आपके दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी। इंस्टाग्राम का आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।
मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ वीडियो के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।